हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है। वेलकम टू माय चैनल हस्बे जायका। सो हमारी आज की रेसिपी है मटन शामी कबाब। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मटन शामी कबाब में हम खीमा यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो मटन बोनलेस भी यूज कर सकते हैं। मैंने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ खीमा, मटन खीमा। 1 बोल भर के चने की दाल जिसको हमने भिगा कर रख दिया था, देखिए इतना बोल है, ये पूरा भरकर मैंने चने की दाल लिया है। इसको हमने अराउंड 2 घंटे पहले ही भिगा के रख दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च सी, 1 अंडा और ये सारे मसाले, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 अखे लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड नमक हस्बे जायका। That's it, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है, आप इसे इजीली बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम कुकर लेंगे, कुकर में हमने हमारा कीमा ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सारे मसाले। सी और हम ऐड करेंगे चने की दाल, इसमें हम आधे ग्लास से भी कम जितना पानी ऐड करेंगे बस। इसे अच्छे से मिक्स करें और गैस पे रख दें बॉईल करने के लिए। ये देखिए मिक्सिंग हमने कर ली अच्छे से। अब हम इसका लिड कवर कर देंगे और इसे गैस पे रख देंगे 1 सीटी आने तक। आपने इसे फास्ट फ्लेम पर कुक करना है और फिर हम इसे स्लो फ्लेम पर अराउंड 15 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ताकि हमारा खीमा और चने की दाल अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए हमारा खीमा एंड चने की दाल अच्छे से बॉईल हो चुका है, देखिए। अब आप इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, अगर आपका पानी है अंदर तो आप प्लीज़ उसे सुखा ले अच्छे से और फिर गैस बंद करें। ये देखिए अब हम इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। खीमा हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। खीमे को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन जूस, ये मैं इंग्रेडिएंट्स में मेंशन करना भूल गई थी। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा फेंट कर, हरा धनिया और हरी मिर्च भी चॉप करके ऐड कर देंगे। अब इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए तो हमारा शामी कबाब का मिक्सचर रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से जम जाए, थोड़ा स्टिकी ना रहे तो हम इसकी इजीली कबाब बना सकेंगे। देखिए एटलीस्ट 10-15 मिनट्स के लिए इसे फ्रिज में रख दे। हमारा मिक्सचर पूरी तरीके से रेडी है, हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है 15 मिनट के बाद। अब हम इसकी टिक्किया बना लेंगे। ये देखिए हमारी टिक्किया बन के रेडी है। अब ये रेडी टू फ्राई है तो अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई करने के लिए हम एक पैन में हल्का सा तेल गरम करेंगे और तेल गरम होने पर हम कबाब 1 by 1 ऐड करते जाएंगे। ये देखिए हमने कबाब ऐड कर दी है, आपको इसे टर्न कर करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए सारी कबाब ऐड कर दे और फिर एक साइड फ्राई होने पर आप इसे टर्न कर दे। ये देखिए हमारी एक साइड फ्राई हो चुकी है, हमने टर्न कर लिया है, बहुत अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन फ्राई होती है। आपने इसे स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है और टर्न करते वक्त केयरफुल रहिए कि आपके कबाब टूटे नहीं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। सो ये देखिए माशाल्लाह हमारी शामी कबाब बनके रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे पुदीने की चटनी के साथ और कैबेज और प्याज का सैलड बना के इसे आप सर्व करें, बहुत पसंद आएगी सबको। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये बिल्कुल भी ऑयल भी सोक नहीं करती है,